है व्हाट्स अप गाइस, दिस इज राम खान एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करेंगे WWE के नेक्स्ट अपकमिंग एंड धमाकेदार पे पर व्यू बैड ब्लड के बारे में, कि बैड ब्लड इंडिया में कब आने वाली है, उसके क्या क्या डेट एंड टाइमिंग्स होने वाले हैं। बाई चांस आपका लाइव शो मिस हो जाता है तो आप रिपीट टेलीकास्ट कब देख सकते हैं। इस बैड ब्लड वाले मेन इवेंट में कौन कौन से धमाकेदार हाई वोल्टेजेस मैचेस फिक्स हुए, इंक्लूडिंग CM Punk। जी हाँ दोस्तों, CM Punk भी हमें इस इवेंट में रेसल करते हुए नजर आएंगे। मेरी बैड ब्लड को लेकर क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं, तो सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो WWE फैंस के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा बैड ब्लड मैंने इसी वीडियो में कंप्लीट कर रखा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टैग एहराम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 यार सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, उसका फायदा होगा कि इन फ्यूचर में अपनी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले बात करते हैं WWE बैड ब्लड 2024 के डेट एंड टाइमिंग्स के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है कि इस बार का मेन इवेंट अटलांटा जॉर्जिया में होने वाला है और संडे वाले दिन 6 अगस्त को इसको इंडिया में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। तो संडे वाले दिन के जो टाइमिंग्स हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, फिर भी मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। किक ऑफ शो हमारा सुबह 2:30 पर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किक ऑफ शो नहीं देखना चाहते, डायरेक्ट लाइव शो देखना चाहते हैं, तो 3:30 लाइव शो भी स्टार्ट हो जाएगा। बाय चांस आपका लाइव शो मिस हो गया गाइस, क्योंकि मैं जानता हूं कि 3:30 सुबह में लाइव शो आएगा तो काफी सारे लोगों का मिस हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं गाइस। सेम डे सुबह 10 इस शो को दोबारा रिपीट किया जाएगा, तो आप दोबारा रिपीट टेलीकास्ट में इस शो के मजे ले सकते हैं। बाय चांस गाइस आपके सारे शो मिस हो गए, आपने लाइव शो भी मिस कर दिया, आपने रिपीट शो भी मिस कर दिया, तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेम डे संडे वाले दिन रात को 8 इस शो को दूसरी बार रिपीट किया जाएगा, तो आप रात में 8 दूसरी बार इस शो के रिपीट टेलीकास्ट में मजे ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप अपने घर से दूर हैं, किसी कारणवश टीवी में आप इस शो को नहीं देखना चाहते, आप अपने मोबाइल फोन में इस शो के मजे लेना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल में सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप इस शो को लाइव वॉच कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा, जिसकी मिनिमम कॉस्ट है 299 रुपए में आप एक साल तक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बहुत ही सस्ता है गाइस, 1 रुपए से भी कम में पड़ रहा है। सो गो विद इट एंड वॉच बैड ब्लड लाइव। ऑलरेडी गाइस, तो ये थे बैड ब्लड के डेट एंड टाइमिंग। सब बात करते हैं बैड ब्लड के मैचेस के बारे में, जो कि इस बार इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हाई वोल्टेजेस मैचेस फिक्स किए गए हैं। द फर्स्ट मैच ऑफ दिस इवनिंग गाइस, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वर्सेस द ब्लड लाइन, सोलो सकोआ एंड जेकब फाटू। टैग टीम मैच होने वाला है चारों प्लेयर्स के बीच। यहाँ प्रेडिक्शन की बात की जाए गाइस, तो मैं जाऊंगा टीम कोडी रोड्स के साथ। एंड आई एम 100% श्योर गाइस कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस दोनों मिलकर सोलो सकोआ एंड जेकब फाटू की बैंड बजाने वाले हैं। बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है, बट आई एम गोइंग विद कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस। नेक्स्ट मैच इज गाइस नाया जेक्स वर्सेस बेली सिंगल्स मैच फॉर दी WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात की जाए गाइस, तो आई थिंक नाया जेक्स विल बी द विनर ऑफ दिस मैच। आई थिंक नाया जेक्स बेली को अगर मैच अपने नाम कर लेंगी और बनी रहेंगी हमारी WWE वुमेन्स चैंपियन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मैच की तरफ गाइस, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर सिंगल्स मैच होने वाला है दोनों ही प्लेयर्स के बीच। जैसे कि आपको मालूम है गाइस कि फिन बैलर ने जब से जजमेंट डे को छोड़ा है, जब से इन दोनों की राइवलरी बहुत जोरों शुरू से चल रही है, एंड बैड ब्लड में इस राइवलरी को एंड करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन की बात की जाए गाइस, तो मैं जाऊंगा डेमियन प्रीस्ट के साथ। एंड आई एम 100% श्योर कि डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को हराकर मैच अपने नाम कर लेंगे और बन जाएंगे हमारे विनर ऑफ द मैच। और नेक्स्ट मैच इज गाइस लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ले सिंगल्स मैच फॉर दी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस मैच की मजेदार बात यह है गाइस कि जब तक मैच चलेगा, जब तक के लिए रिंग साइड के ऊपर एक शार्क केज के अंदर डोमिनिक स्टूडियो बंद रहेंगे, तो यहाँ पर हमें एक फेयर मैच देखने के लिए मिलने वाले हैं। और फेयर मैच है तो आपको प्रेडिक्शन पता ही है गाइस, मैं जाऊंगा यहाँ पर रिया रिप्ले के साथ। आई थिंक रिया रिप्ले लिव मॉर्गन को हराकर बन जाएंगे हमारी न्यू WWE वुमेन्स चैंपियन। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इस मैच को लेकर आप लोगों की क्या क्या प्रेडिक्शन है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लास्ट मैच ऑफ दिस इवनिंग गाइस, CM Punk वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, हेल इन अ सेल मैच। गाइस नाम से ही लग रहा है कि कितना खतरनाक मैच होने वाला है, एंड यहाँ पे प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी मुझे आप लोगों के लिए किसी को प्रेडिक्ट करना पड़े, समझ जाऊंगा ड्रू मैकइंटायर के साथ। आई थिंक ड्रू मैकइंटायर CM Punk को हराकर मैच अपने नाम कर लेंगे और बन जाएंगे हमारे विनर ऑफ द मैच। और गाइस, तो ये थे बैड ब्लड के डेट टाइमिंग एंड मैचेस, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ अपनी प्रेडिक्शंस भी शेयर किया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेडिक्शंस मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं भी आप लोगों के थॉट्स जान सकूँ कि बैड ब्लड को लेकर आप लोगों के क्या क्या विचार हैं। सो दैट्स नॉट फॉर टुडे, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हाँ, 5 अक्टूबर से पहले पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई 5 अक्टूबर के बाद ये वीडियो हो जाएगी यूजलेस, उससे पहले शेयर जरूर कीजिएगा। सो दैट्स नॉट फॉर टुडे, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी इस तरह की WWE की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ऑलवेज वर्क हार्ड बट नेवर गिव अप। लव यू ऑल।